अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हरीम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ बीए इंग्लिश नॉवल ओल्ड मैन एंड द सी बाय अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे का ये नॉवल है द ओल्ड मैन एंड द सी। इस पर मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग इस नॉवल को अच्छे से कर सकें। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बताऊँगी, स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको गो थ्रू करवाऊँगी हर एक चीज़। फर्स्टली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आप लोगों को लगती हैं कि क्या फिश है, क्या ओल्ड मैन है, क्या स्ट्रगल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स करें और ये नॉवल जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। जब आप एक चीज़ को कहते हैं डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट लेके पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर वो होती आपके लिए डिफ़िकल्ट बन जाती है, ऑटोमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाने जा रही हूँ। इस पिक्चर में देखें ओल्ड मैन है एंड ओल्ड मैन की स्ट्रगल दिखाई गई है अगेंस्ट मार्लिन। ये फ़िश है, फ़िश का नाम मार्लिन है, मार्लिन के अगेंस्ट जिसकी स्ट्रगल है। अब ओल्ड मैन जो है ये फ़िशिंग के लिए जाता है और 85 डेज़ तक कोई मछली ये पकड़ नहीं सकता, काफ़ी स्ट्रगल करता है, इसके हाथ कोई मछली नहीं लगती। लेकिन 85th डे यानी इतनी वो एफर्ट करता है, इतनी स्ट्रगल, वो जो है इतनी परेशानियां देखता है, इतने ट्रायल्स आते हैं उसके रास्ते में, काफ़ी हार्डशिप्स परेशान करता है, हंगर भूख बर्दाश्त करता है और फिर एट द एंड मार्लिन जो है मार्लिन को वो पकड़ लेता है और उसके साथ भी फिर उसकी 3 दिन तक स्ट्रगल रहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बताया जाए इस राइटर के बारे में जिसने द ओल्ड मैन एंड द सी नॉवल लिखा है, क्योंकि एक राइटर जो है ना अपने आप को बयान कर रहा होता है कहानी के अंदर, चाहे वो फ़िश की फॉर्म में कर रहे हैं, चाहे वो ओल्ड मैन की फॉर्म में बयान कर रहे हैं, चाहे वो उसके बेटे की फॉर्म में बयान कर रहे हैं जो ओल्ड मैन का बेटा था मैनोलिन, बॉय का करेक्टर भी है एक। तो अब ऑथर जो है अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे, ये इनका एक बायोग्राफिकल स्केच है, ये मैं आपको रीड करके बताती हूँ, उसके बाद मैं इनके लाइफ इवेंट्स और इनकी लाइफ के बारे में बताती हूँ और बताती हूँ कि ये किस किस्म के नॉवल्स और स्टोरीज लिखते हैं। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे वाज बोर्न इन ऑक पार्क एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑन जुलाई 21, 1899। तो 1899 में जुलाई के महीने में ये यूनाइटेड स्टेट्स के ऑक पार्क में पैदा हुए। एंड टर्निंग टर्बुलेंट लाइफ, हेमिंगवे वाज मैरिड 4 टाइम्स, 4 बार उनकी शादी हुई और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा गैर मुतमईन शख्सियत थे अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे। हेमिंगवे वाज अ जर्नलिस्ट, ये एक जर्नलिस्ट भी थे बिफोर बिकमिंग अ नॉवलिस्ट, नॉवलिस्ट बनने से पहले, नॉवल निगार बनने से पहले। और इनका एक और भी आप पढ़ते हैं, आप बीए में आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट स्टोरी है एक, उस शॉर्ट स्टोरी में ये है कि आपके पास काफ़ी सारे ऐसे करेक्टर्स हैं जो कि विकिड हैं, ठीक है, द किलर्स इसने लिखी है, हेमिंगवे, बाय हेमिंगवे। एक सनसनीखेज कहानी उन्होंने लिखी है और उसका एंड नहीं करते, और ये एंड हमेशा जो भी लिखते हैं, जो भी इनकी फिक्शन है, चाहे शॉर्ट स्टोरी है, चाहे नॉवल है, या जो भी उन्होंने लिखा है, उसका एंड वो रीडर पर छोड़ देते हैं। रीडर पर एंड छोड़ने का मकसद ये होता है कि रीडर अपनी मर्जी का उसमें से नतीजा निकाल सकता है। जैसे कि अगर रीडर हैप्पी एंडिंग करना चाह रहा है तो हैप्पी एंडिंग कर सकता है, सैड एंडिंग करना चाह रहा है, बैड एंडिंग करना चाह रहा है तो वो बैड कर सकता है, अगर वो पॉजिटिव सोचता है तो अच्छी करे, नेगेटिव उसने लिया तो वो नेगेटिव करें। तो ये हमेशा वो रीडर पर डालता है कि वो इसकी एंडिंग कैसे लेते हैं। तो आफ्टर लीविंग हाई स्कूल ही वेंट टू वर्क फॉर द खनास सिटी स्टार एज अ क्लब रिपोर्टर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंशन ना भी करें, डजेंट मैटर, क्योंकि जब भी आप लिख रहे होते हैं थोड़ा सा राइटर का आप ज़रूर मैंशन करते हैं, इसलिए मैं आपको राइटर के बारे में बता रही हूँ। और इन्होंने द स्टोरी लिखी है, एक स्टोरी जो कि द किलर है वो लिखी है और काफ़ी सनसनीखेज लिखी है। और इसमें मतलब इनका जो हीरो होता है ना, अपने आप को वो हीरो की फॉर्म में पेश करते हैं, वही हीरो ही होता है। अब ये ओल्ड मैन का करेक्टर भी ना समझे, हेमिंगवे होता है। द किलर्स में भी देखा जाए तो कुछ ऐसे किरदार हैं, हेमिंगवे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी ज़िंदगी में कितनी हार्डशिप्स हैं। अब जैसे कि ये ओल्ड मैन है, काफ़ी स्ट्रगल करता है, 85 डेज तक उसको कोई मछली नहीं मिलती, बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहता है, लेकिन एट दी एंड उसको एक मिलती है और काफ़ी एक बड़ी मछली वो पकड़ता है और फिर उसके साथ उसकी स्ट्रगल है। मतलब ये अपनी ज़िंदगी की हार्डशिप्स बता रहा है, 4 बार उसकी शादी हुई, अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड रहा और आप ये कह सकते हैं कि
ये कभी भी अपने नॉवेल्स हों या स्टोरीज हों उसमें फीमेल कैरेक्टर कभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाता, कभी भी नहीं इसने इंट्रोड्यूस करवाए। और आपने देखा होगा इस नॉवल में भी कोई फीमेल कैरेक्टर नहीं है, और ये अपनी लाइफ से जो इनकी डिससेटिस्फेक्शन थी उसकी वजह से इन्होंने सुसाइड कमिट की थी, इन्होंने अपने आप को शूट किया था। और जो इनकी ये डेथ हुई है ना, जो कि आप देख सकते हैं, इनकी डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं थी ना किसी डिजीज़ की वजह से, बल्कि ये क्योंकि राइटर्स जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और यही वजह है कि बाज़ दफ़ा कोई ऐसी चीज़ होती है जो उनको ऐसे अट्रैक्ट कर जाती है और वो नेगेटिव होती है और जिसकी वजह से वो सुसाइड कमिट करते हैं। उनकी अब काफ़ी सारे ऐसे सल्विया प्लाथ हैं, ठीक है, उन्होंने भी सुसाइड कमिट की है, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे राइटर्स हैं, वर्जीनिया वुल्फ को देख लें, उन्होंने भी अपनी लाइफ को कैसे एंड किया, और हेमिंगवे जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, पढ़ते हैं और काफ़ी इनके बारे में बात की जाती है, तो इन्होंने भी अपनी लाइफ में सुसाइड कमिट की थी। अब करेक्टर आपको मैं बताने जा रही हूँ मार्लिन का, मैं आपको बाद में बताऊँगी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट करेक्टर है ओल्ड मैन का, सेंटियागो, ठीक है, कुछ लोग इसको सेंटियागो कहते हैं लेकिन इट्स बेटर कि आप इसको सेंटियागो कहें। एंड ही इज़ अ फिशरमैन इन क्यूबा, क्यूबा में ये फिशरमैन, एंड द ओल्ड मैन, ये एक विलेज था वहाँ पे इन्होंने ये फिशिंग की थी, एंड फ्रॉम द टाइटल ही हैज़ बीन अनेबल टू कैच एनी फिश इन 84 days, यानी 84 दिन तक वो अनसक्सेसफुल रहते, कोई मछली नहीं पकड़ते। और उसके बाद डिस्पाइट बीइंग एक्सट्रीमली पुअर एंड बेयरली एबल टू फीड हिमसेल्फ, और उनके पास इतना भी नहीं होता कि वो अपने आप को फीड कर सकें, इस दौरान काफ़ी हार्डशिप उन्होंने बर्दाश्त की है, एंड ही रिफ्यूजेस टू गिव अप। लेकिन हेमिंगवे जो है ना, यहाँ पे गिव अप का जो मतलब है, हेमिंगवे आपको ये भी मैसेज देना चाह रहा है कि कभी भी लाइफ में गिव अप मत करें, और ये अपने हीरो के थ्रू भी आपको यही कन्वे करता है। He loves baseball, specifically Joe DiMaggio, and he gets baseball updates from Perico Abodega owner who gives Santiago newspapers. अच्छा, ये mention करने की ये important चीज़ें नहीं हैं, जो important है आपने सिर्फ वही करनी है। Marlin was the fish, ये वो fish थी जिसके साथ old man struggle कर रहा था, 85th day, एंड द फिश डेट सेंटियागो फाइनली हुक्स ऑन द 85th day, जिसको हुक किया जाता है 85th day, एंड सेंटियागो एंड द मार्लिन इंगेज इन अ टग ऑफ वार फॉर 3 days, और 3 दिन तक उनके दरमियान एक किस्म की जंग कह सकते हैं चलती रही है, या एक ऐसी सूरत हाल दे बोथ इंड्योर जिसमें दोनों को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। द मार्लिन इज इवेंचुअली इन ईटन बाई शार्क्स, अब जब मार्लिन जो है वो ज़ख्मी हो जाती है तो उसके खून की खुशबू से दूसरी शार्क्स जो होती हैं और वो आती हैं और मार्लिन पर अटैक करती हैं, इस फिश पर, ये आप पिक्चर देख सकते हैं। एट विच पॉइंट सेंटियागो फेल्स, ही हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड एंड कंज्यूम्ड बाय हिज कंडीशन एज वेल। प्लॉट, व्हाट इज़ प्लॉट, प्लॉट आपको पूछा जा सकता है, स्टोरी का जो नॉवल की स्टोरी है इसका प्लॉट बयान करें। प्लॉट जो है कहा जाता है सेट ऑफ एक्शंस एंड इवेंट्स, जो भी इवेंट्स हैं नॉवल के अंदर। आफ्टर द 3rd day, तीसरे दिन के बाद, द फिश इज वॉर्न आउट इनफ डैट सेंटियागो इज एबल टू हार्पून एंड किल इट, बट ही कांट पुल इट इनटू द बोट, सो ही स्ट्रैप्स इट टू हिज स्किफ एंड हेड्स बैक टू लैंड। अब सेंटियागो जो है, क्योंकि वो फिश शार्क जो थी, डिफरेंट शार्क्स जो थी, उन्होंने अटैक किया था मार्लिन पर, और जो मार्लिन थी उसका फ्लैश उन्होंने खा लिया। अब क्या है कि पीछे जस्ट स्केलेटन रह जाता है, ना तो वो ओल्ड मैन उसको कश्ती की जानब लेकर जा सकता है अब उस फिश को, मार्लिन को, और ना ही जो है लैंड की तरफ, ड्राई लैंड की तरफ वो लेकर जा सकता है। एंड द ब्लड, ये नेक्स्ट पॉइंट है जिस जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, द ब्लड अट्रैक्ट शार्क्स दो, एंड आफ्टर लूजिंग हिज हार्पून किलिंग द फर्स्ट शार्क, सेंटियागो प्रोसीड टू ट्राई टू बीट अवे द एनिमल्स, बट इवेंचुअली ही हैज़ टू गिव अप। तो शार्क्स जो हैं वो, ये सिंपली वही बात की जा रही है कि उस पर अटैक करती हैं, एंड द शार्क्स ईट द मीट ऑफ द फिश, एंड व्हेन सेंटियागो गेट्स बैक टू शोर द ओनली थिंग लेफ्ट इज द जायंट स्केलेटन। जायंट मतलब बहुत बड़ा, एक ही चीज़ जब सेंटियागो के पास रह जाती है जब वो जाता है साहिल समंदर पर, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ उस मार्लिन का स्केलेटन मौजूद होता है। एट द एंड
मैनोलिन रीअपियर्स। मैनोलिन वो बॉय है, मतलब बेटा है ओल्ड मैन का। ही हैज़ बीन वरीड अबाउट सेंटियागो एब्सेंस, जो कि सेंटियागो के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है जब उसका फादर नहीं होता। बट ही फाइंड सेंटियागो एट होम इन बेड, कि फाइनली सेंटियागो जो है अपनी स्ट्रगल ख़त्म करता है और अपने बेड पर लेटा होता है। और जब मैनोलिन अपने बाप को वहाँ पर देखता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है कि भाई हाँ, सेंटियागो जो है अब यहाँ पर मौजूद है, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसकी एब्सेंस में परेशान था। मैनोलिन डिसाइड्स टू डिफाई हिज फादर्स ऑर्डर्स एंड बीइंग वंस अगेन फिशिंग विद सेंटियागो इन ऑर्डर टू हेल्प द ओल्ड मैन। अब मैनोलिन क्या करता है कि वो अपने फादर के ऑर्डर को ललकारता है, मतलब इनकार कर देता है, कहता है कि नहीं, मैं फ़िशिंग पर जाना चाहता हूँ। उसका फादर उसको मना करता है कि तुमने फ़िशिंग नहीं करनी, लेकिन फिर भी वो फ़िशिंग पर जाता है और कहता है कि वो स्ट्रगल करेगा और ओल्ड मैन की हेल्प भी करेगा सेंटियागो की। अडॉप्टेशन से कुछ एडिशनल अडॉप्टेशन ही आपको जस्ट ये जनरल नॉलेज के लिए आपकी, क्योंकि जब आप पीपीएससी का पेपर देते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आपने इंग्लिश में मास्टर्स किया तो ये आप बता सकते हैं कि इस पर फिल्म सी, फिल्म कब लिखी गई, प्ले और टीवी सीरीज जो थी, मिनी सीरीज जो है, ये कब लिखी गई। तो ये डेट के साथ मेंशन है, करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। अब इसमें सी बयान किया गया, थीम से पहले सी जो सिंबल्स हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। सिंबल्स मतलब अलामत, यानी जिनमें कोई हिडन मीनिंग छुपा होता है। अब सी जो है, अगर उसमें फ्लड आ जाता है तो सी डिस्ट्रक्शन का और डेथ का सिंबल बन जाता है। लेकिन इसके अलावा सी जो है, सी इज़ द सिंबल ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी का समंदर है, क्योंकि ज़िंदगी भी इंसान की चलती रहती है जैसे समंदर होता है। सो मेजर थीम्स एंड सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट्स फाइंडिंग ऑनर इन डेथ एंड डिफीट, कि इंसान को अगर डेथ हो जाए या उसकी शिकस्त हो जाए तो उसमें भी इंसान जो है ना, अपने आप को ये मत कहे कि मैंने, मुझे शिकस्त हो गई, बल्कि कभी भी गिव अप नहीं करना, ये इसका थीम है। ओवरकमिंग प्राइड, कंटिन्यूइंग टू फाइट, जैसे कि ओल्ड मैन करते हैं। सेंटियागो फाइट विद द मार्लिन, और सेंटियागो की फाइट जो मार्लिन के साथ थी, ये भी इसका मेजर थीम है और सेंट्रल मरकजी ख्याल है। सेंटियागो स्टेटस एट आउटसाइडर विद अदर विलेजर्स एंड मैनोलिन स्ट्रगल विद हिज फादर्स ऑर्डर्स। अब इसके कुछ कंटेक्स्ट हैं, तो इसके कंटेक्स्ट में चले जाएं। ये नॉवल लिखा गया तो इसको क्या पब्लिकेशन थी इसकी और कोई प्राइस मिला या क्या, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। हेमिंग्वेज़ फाइनल नॉवल पब्लिश्ड विद इन हिज लाइफ टाइम, और उसकी लाइफ टाइम मतलब उसकी ज़िंदगी के दौरान ही इस नॉवल को पब्लिश कर दिया गया। वरना अक्सर राइटर्स ऐसे होते हैं जो जिनकी डेथ हो जाती है लेकिन पब्लिश उनकी बुक उनकी डेथ के बाद होती है और वो फेमस भी रही है, लेकिन इनका जो नॉवल था इनकी लाइफ के दौरान ही पब्लिश हुआ है। रिटन इन 1951, पब्लिश्ड इन 1952, 1951 में लिखा गया, पब्लिश शाया ये 1952 में हुआ, एट विच टाइम बोथ द कोल्ड वॉर एंड कोरियन वार वर गोइंग ऑन, और इस दौरान कोल्ड वार एक सर जंग चल रही थी और कोरियन जंग जिसे आप कह सकते हैं। सो नॉवल वॉन हेमिंग्वे द पुलित्जर प्राइस इन 1953, इसको प्राइस भी मिला। एंड हेमिंग्वे इनिशियली एंड स्टार्ट में इंटेंडेड सेंटियागो स्टोरी टू रिलेट टू द इंटीमेसी बिटवीन मदर एंड सन, एंड क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट बीइंग एज रियलिस्टिक एज इज द अदर वर्क, दो हेमिंग्वे सेड दैट देयर वॉज अ फिशरमैन विद अ वेरी सिमिलर एक्सपीरियंस टू डेथ ऑफ सेंटियागो फर्स्ट टू एंड थर्ड, यानी पहला दूसरा तीसरा, और जो इसमें पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक फिशरमैन की स्ट्रगल या उसका एक्सपीरियंस। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा एक रियलिटी दिखाई गई है, और हेमिंग्वे की यही क्वालिटी है कि वो अपने जितने भी नॉवल्स लिखता है, जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज लिखता है, उसमें वो रियलिटी दिखाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए। Or give your views in comment section, and if there is any confusion then you may ask me in comment section. Okay, then Allah Hafiz and take care.